आप देख रहे हैं आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण में उमरिया नगर पालिका परिषद में कुल 24 वार्डों में सुबह से मतदान चल रहा था। मतदान करने आए लोगों ने बताया कि विकास को लेकर मतदान किया। जब मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक लगातार सभी मतदान केंद्रों पर जाकर निगरानी कर रहे थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बता दें कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका चुनाव को लेकर आइए उमरिया जिले के नगर पालिका में मौजूद हूँ मैं। आप देख रहे हैं कि कुछ ही समय बचे हुए मतदान संपन्न होने को, और हमारे साथ उमरिया जिले के पुलिस अधीक्षक माननीय प्रमोद कुमार सुनहा जी, मैं इनसे जानो, खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं। सर, आप देख रहे हैं खुद ही मोर्चा संभाले हुए, लगातार आप जो है कि पूरे जिले में भ्रमण कर रहे हैं। सर, अभी तक मतदान जो है लास्ट संपन्न होने के जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाओं के साथ मतदान संपन्न हो रहा है सर? ये जो भी व्यवस्था है वो एक टीम वर्क होती है और पूरी टीम इसमें लगी हुई है, और हम लोगों ने सभी मतदान केंद्रों पे जो व्यवस्था सुनिश्चित की है वो स्केल के अनुसार, संवेदनशील के लिए अलग व्यवस्था है और सामान्य बूथों के लिए अलग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे सेक्टर पुलिस मोबाइल चल रहे हैं, QRT की जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स, और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम्स हैं। तो इस तरह से काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है, और हमने शुरू से ही जनता से ये अपील किया है कि चूंकि व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और इस कारण से आप घरों से निकलें और निर्भीक होकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। जैसा कि सर ने बताया कि लगातार देखा जा रहा था चुनाव मतदान को लेकर, लोगों के अंदर जो एक भय था, जो डर का माहौल था, उसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैद थी और कहीं ना कहीं भयमुक्त होकर उन्होंने अपना मतदान किया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी। टीवी में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय चुनाव को लेकर आज उमरिया जिले में हम यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं कि शासकीय सज्जन कृष्ण विद्यालय है जहाँ पर मतदान का क्रम अभी भी जारी है और कुछ ही समय बचा हुआ मतदान संपन्न होने का। हमारे साथ राजेश जी हैं जो कि अपना मतदान डालकर आए। आप शहीद लगी हुई दिखाएंगे, ये देख रहे हैं आप मतदान, ये जो कि इन्होंने वोट डालकर आए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने आज मतदान किया है, क्या कुछ सोचकर मतदान किए हैं, क्या कुछ इनके जहन में चल रहा था, घर से निकले तो क्या सोच के निकले हैं, आज आपने मतदान किया है, घर से क्या कुछ सोच कर निकले हैं और किन मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज आपने मतदान किया है? कुल मिला के जो है विकास ही संभव है, विकास करना ही अपना सिद्धांत है। और ऐसा स्टेट में अगर मान लीजिए अगर यहाँ किसी दूसरे को जिता देते हैं तो दिक्कत ये होती है कि स्टेट पैसा नहीं देगा, सेंट्रल पैसा नहीं देगा, इसलिए आदमी सोचता ये है कि जीते वही जो मतलब सक्षम हो। तो जो आप सुनिए कि जो सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं, क्या कुछ सुविधाएं हैं, किन सुविधाओं को लेकर आज आपने मतदान किया है, क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए? देखिए, प्रथम तो विकास है जी, और जब से कुछ सरकार ऐसी आई हैं जिन्होंने विकास ही किया है जी जी, है ना, तो विकास के लिए अब क्या क्या कहें, अब क्या कह सकता आदमी भाई। तो विकास की सरकार, विकास चलाना चाहते हैं, विकास के नाम पर वोट दिए, विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। क्या इसके पहले भी विकास हुआ है, विकास हुआ है यहाँ पर? नहीं, ये जो विकास हो रहा ना ये 20 साल पहले हो जाना था जी, लेकिन आज हो रहा है जी। तो लगता है एक बार फिर से आपने विकास की उम्मीद को लेकर यहाँ पर मतदान किया है। फिर से विकास की उम्मीद को लेकर मतदान किया। जैसा कि इनका कहना था कि एक बार फिर से हम जो है कि इस मतदान को आज जो है इस मतदान जो कि एक पर्व था, इस चुनावी मतदान में इन्होंने एक विकास को लेकर जो है कि मतदान किए। इनका कहना था कि जो विकास आज इतना पीछे है, 20 वर्ष पहले ये विकास हो जाना तो चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से इनके अंदर एक आस जगी है कि शायद इस विकास इस बार होगा और इसी विकास को लेकर इन्होंने मतदान किया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी।